रूद ना तु हिसाब कह बिहत लिस्ट बनाया मैं पान मगर सू चो उबर वो लीडर तुज अगर और आपको पस पुश डाला गया लिहाजा गुजारिश कुछ कैंडिडेट इन द फ्रे परकोमत लीडर इनशाला खुदा अमीर हाजी शमसुद्दीन मंजूर देखिए तारिक साहब ने हाल हाल ही में PDP से रिज़ाइन किया है। ये इस इलाके में फिर बांडीपोरा कॉन्स्टिट्यूंसी का डिस्ट्रिक्ट में इसको मानते हैं जानते हैं लोग। इनका एक अच्छा तजुर्बा है सियासत में और काफ़ी दिनों से पॉलिटिक्स में है। जेन्युइनली काम कर रहा है, सोशल काम कर रहा है। मुझे इतनी खुशी हुई है कि उन्होंने हमारे साथ आज हाथ मिलाया है PDP को छोड़ के, और मैं उम्मीद करता हूँ कि हम एक होकर इस इलाके की भलाई के लिए लड़ाई लड़ेंगे, डेवलपमेंट की लड़ाई लड़ेंगे। खासकर ये जो नायबखाई एरिया है इसमें अच्छे लोगों की काफ़ी ज़रूरत है जो इसको एक दिशा दे डेवलपमेंट के हिसाब से, लोगों के मसल मसाइल को हल करने में। इसलिए मुझे इंतहाई खुशी है कि उन्होंने मेरे साथ मेरा हाथ थाम लिया और मेरी इज़्ज़त अफजाई की। आई सी इट्स अ गुड थिंग। आई थिंक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के वी कैन सेव लॉट ऑफ मनी बिकॉज वन इलेक्शन वन नेशन। इट्स इफ़ यू सी द आर नेबरिंग कंट्री पाकिस्तान, सेम टेक्स प्लेस देयर, वहाँ भी एक ही जैसा है। तो यहाँ भी मैं इसको खुश ठीक है क्योंकि हमको इतने पैसे छोटे छोटे इलेक्शनों में लगते हैं और ये सरकारी खजाने पे बड़ा बोझ बनता है, और ये पैसा लोगों का, ये पैसा जो बचेगा लोगों के भलाई के लिए खर्च होगा। हर 6 महीने के बाद कहीं ना कहीं देश में इलेक्शन होता है। आप अंदाज़ा लगाए कितने मुलाजिम इसमें इन्वॉल्व है, कितने मैन एंड मशीनरी इसमें इन्वॉल्व है, कितना पैसा इसमें इन्वॉल्व, कितना सिक्योरिटी फोर्स में इन्वॉल्व होता है आज के वक्त में। तो इसलिए मुझे लग रहा है कि ये अच्छा है, एक अच्छा स्टेप है, और शायद ये इमीडिएटली नहीं हो, शायद 29 के बाद जिस तरीके से कानून लागू होगा ये अच्छा होगा। अगर पार्लियामेंट इलेक्शन हो, असेंबली इलेक्शन भी साथ हो जाएंगे। आई डोंट वांट टू क्रिटिसाइज एनीबडी, इट्स मिस्टर उमर, व्हाट ही हैज फेल्ट इज हिज ओन स्टेटमेंट। आई कांट कमेंट ऑन दिस, बट आई सी दोज हु आर टेकिंग पार्ट इन इलेक्शंस, दे आर मोस्ट वेलकम। वी से इट लाइक दिस, देर आए दुरुस्त आए। हैड इट हैपन much earlier things would have been better, so but we'll take it just in a positive way.